morning, the students. In last video, what you learned about rainbow? है ना? तो कौन-कौन किसे किसे याद है? Rainbow में कितने? How many colors are there in rainbow? 7 color. Which one? The word I written here that video. Have you remember? Whip-cure. Once again, I am telling you the word was V-I-B whip-cure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is important word. And see, here that this one is activity 1. Ye main chapter hai, the word of color. Iske andar hai activity 1. Aur isme the coloring colors ka part 1 ye likha hi hai book mein. Aur ye jo video maine last day banaya tha, wo part 1 tha. Aur aaj ye part 2 hai. Isi ka aage hai. Kyunki humne us din kahan tak banaya tha? Violet ka aur indigo ke bare mein bataya tha na. Kisi ko yaad hai? Violet, what said the violet? Violet said, I am the color of humility and wisdom. मैं विनम्रता और बुद्धि का प्रतीक हूँ, तो मैं ही सबसे अच्छा हूँ. I am the color of humility and wisdom, so I am the best. But the indigo then after said that no, you are not best. I am the best. मैं best हूँ. आप best नहीं हो, मैं हूँ best. Because I am the color of peace. मैं शांत हूँ, मैं शांत रहता हूँ. Calm and quiet. And you need me in peace and in prayer time. आप जब prayer करने जाओगे तो आप शांति ढूंढोगे. हल्ला-गुल्ला में जो prayer करना संभव नहीं होता है ना. So that's why the indigo said that कि my important is very much. Then now I we are read about blue, green, yellow. So let's see what said the blue color. Blue interrupted. See. ऊपर से मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ, फिर ब्लू का ले लेती हूँ. चलो देखो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय की बात है, द कलर इन रेनबो स्टार्टेड टू वायलेट. जो कलर जो रेनबो में सात रंग होते हैं, सातों के साथ स्टार्ट कर दिए झगड़ना आपस में. इन एंग्री हो गए वो सब और आर्गुमेंट करने लगे. दे स्टार्टेड आर्गुमेंट टू ईच अदर. ईच कलर थॉट इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर ऑफ ऑल. सभी आपस में सोचने लगे कि मेरी ही महत्ता ज्यादा है. माई इंपॉर्टेंस इज वेरी मच हियर इन द रेनबो. माई इंपॉर्टेंस इज वेरी मच. मैं ही बेस्ट हूँ. तो वायलेट बोलता है सबसे पहले कि आई एम द बेस्ट. आई एम द कलर ऑफ ह्यूमिनिटी एंड विजडम. सो आई एम द बेस्ट. मैं ह्यूमिनिटी और विजडम का प्रतीक हूँ. मैं विनम्र हूँ स्वभाव का हूँ. मैं बुद्धिमान हूँ इसलिए मैं बेस्ट हूँ. बट द इंडिगो सेड दैट इंडिगो वेरी सॉफ्टली सेड दैट आई एम वेरी आई एम द कलर ऑफ साइलेंस. मैं शांत रहता हूँ, चुप रहता हूँ. सो यू नीड मी इन पीस एंड प्रेयर. आपको जब शांति ढूंढनी होगी और जब आप उनको प्रेयर का टाइम आएगा तो आप मुझे ही याद करोगे, मेरी ही महत्ता को समझोगे, क्योंकि मैं बहुत चुप रहता हूँ. आई एम द कलर ऑफ साइलेंस. देन आफ्टर द ब्लू इंटरप्टेड. इंटरप्टेड का मतलब क्या है? बीच में दखल देना. जैसे दो जन बातें कर रहे हैं, ऑल आर कन्वर्सेटिंग और टॉकिंग, बट द वन केम एंड सेड समथिंग. तो वो क्या है? इंटरप्टेड कर दिया उसको, रोक दिया, बीच में टोक टाक कर दिया उसको, बीच में ही रोक दिया. द स्ट्रॉप प्रोग्रेस. कोई भी बातचीत हो रही है, एनी टॉकिंग, एनी मैटर पे आप बात कर रहे हो, तो स्टॉप इन मिडिल, बीच
में ही रोक देना, बीच में ही दखल देना, उसको इंटरप्ट करना बोलते हैं। हाँ, तो ब्लू इंटरप्टेड, यहाँ पे फायरिंग बोल रहा था, उसके बाद इंडिगो बोल रहा था, तो ब्लू आ गया इंटरप्टेड एंड सेड दैट आई एम द कलर ऑफ वाटर। ब्लू, यू नो द कलर ऑफ वाटर, आई थिंक यू ऑल नो ब्लू इज द कलर ऑफ वाटर, है ना। पानी कैसा होता है? नीला रंग का होता है, दैट्स राइट। द आई एम द कलर ऑफ वाटर, वाटर मेक्स अप लाइफ, पानी के बिना जीवन तो संभव नहीं है। द वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, यू नो। सो द ब्लू सेड दैट आई एम, माय इंपॉर्टेंस इज सो मच, आई एम द कलर ऑफ वाटर, वाटर मेक्स अप लाइफ, वाटर के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। विदाउट मी देयर इज नो लाइफ, विदाउट मी यू वुड बी नथिंग, लिखा भी है देखो, विदाउट मी यू वुड बी नथिंग, पानी के बगैर आप कोई नहीं, जिंदा ही नहीं रह सकते हो, तो मेरी इम्पोर्टेंस है। बात सही भी है ना, लग रहा है सुनने से कि बात सही है। देन आफ्टर ग्रीन से, ग्रीन यू नो ग्रीन क्या है, ग्रीन का नाम हम लोग देखते हैं, हर जगह हरियाली रहती है, वो हरे भरे खुशहाली का प्रतीक है, हैप्पीनेस का प्रतीक होता है। तो ग्रीन शेड आई एम द कलर ऑफ नेचर, जो प्रकृति में है, चारों ओर पेड़ पौधे आप देखते हो, तो ये नेचर में प्रकृति है, इसको हिंदी में प्रकृति बोलते हैं, इंग्लिश में नेचर बोलते हैं। तो ग्रीन शेड आई एम द कलर ऑफ नेचर, दैट इज व्हाई आई एम द बेस्ट, तो मैं ही नेचर हूँ, मैं ही दिखता हूँ हर जगह, तो मेरी ही महत्ता है, इसलिए मैं बेस्ट हूँ। देन येलो स्माइल, अब सबकी बातें चार पांच है, सात है ना ये लोग, तो चारों बोल रहे हैं अपनी अपनी बातें और पांचवा जो है सुन रहा है चुपचाप ये लोग। तो येलो स्माइल, वो धीरे से मुस्कुराता है, स्माइल करना मतलब मुस्कुराना जानते ही हो, तो येलो स्माइल को मुस्कुराया। आई ब्रिंग वार्म टू द वर्ल्ड, अब येलो किसका प्रतीक, आप सन जब आप पेंटिंग करते हो, बचपन से आप लोग पेंटिंग करके आए हो, तो जब सन बनाते हो तो उसमें येलो कलर पुट करते हो ना, येलो कलर भरते हो, सन बनाते हो, पेड़ बनाते हो, जब नेचर दिखाते हो, घास पेड़ पौधा, तो ग्रीन बनाते हो, पानी बनाते हो, तो ब्लू बनाते हो, तो ब्लू येलो क्या है, वो वार्थ का शो करता है। सन जो है, सन से गर्मी आती है ना, सन आप येलो बनाते हो, येलो स्माइल आई ब्रिंग वार्म टू द वर्ल्ड, मैं पूरे दुनिया को गर्मी प्रदान करता हूँ। जब सूर्य उदित होता है, येलो कलर का सूर्य निकलता है, तो पूरी दुनिया में गर्मी आ जाती है ना, और धूप कड़ी होती है तो कितनी गर्मी लगती है। दैट्स व्हाई द सन द मून एंड द स्टार्स आर ऑल येलो, तो वो बोल रहे हैं कि मैं आई गिव वार्म टू ऑल ओवर वर्ल्ड, and you can see the sun, stars and moon all you see in yellow color, so that I am the best, वो अपनी महत्ता बताता है। फिर क्या है, ऑरेंज लाफ, फिर ऑरेंज हंसता है, ऑरेंज सुनते सुनते ऑरेंज को हंसी आ जाती है, सब तो अपनी अपनी बखान करे, हा 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 मैं बेस्ट हूँ, तुम लोग थोड़ी बेस्ट हो, आई एम द कलर ऑफ करेज, ऑरेंज बोलता है कि मैं करेज, करेज का मीन्स क्या है, साहस, डेयरिंग, जो आप में डेयरिंग होता है, साहस होता है, कोई काम करने के लिए, एबिलिटी टू कंट्रोल फियर, ब्रेवरी, कोई डर से, डर को आप कंट्रोल कर लेते हो, साहस से कहीं सांप दिख गया तो आप कंट्रोल कर लिए, डर कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, चलो आगे, चलो उसको मारते हैं या उसको हटा दिया, आगे बढ़ गए। हाँ, कभी भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी कठिनाई आती है तो बहादुरी से आगे बढ़ जाना, ये किसका काम है, ऑरेंज का, ऑरेंज बोल रहा है आई एम द कलर ऑफ करेज, आई एम द ब्रेव वन, मैं बहुत साहसी हूँ, निडर हूँ, मैं आई कैन डू, आई हैव द एबिलिटी ऑफ कंट्रोल फियर, डर को मैं भगा देता हूँ, साहस से काम करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ऑरेंज से श्योरली आई एम द बेस्ट, वो बोल रहा है अब साहस इतनी है कि मैं जो डर को ही भगा देता हूँ तो मैं ही बेस्ट हुआ।
banana. I am the best. The name is outed. Then after that, name is outed. I am the sign of strength and authority. अब रेड जो है बैठा बैठा लास्ट में वो चिल्लाया. साउटेड मतलब जोर से बोलना ना, स्पीक लाउडली. तो वो बैठा हुआ था, सबकी बातें सुना उसने, फिर वो जोर से बोला स्पीक लाउडली. आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी. स्ट्रेंथ का भी मतलब ताकत होता है ना, ताकत जो उसने है. तो ही स्पीक्स say someone thing in loudly voice. The right of permission something to do, the power or right to give orders and make others obey. Authority बोलते हैं किसी को कुछ आज्ञा देना, किसी को कुछ permission देना, किसी को permission देने का जो अपने पास ability होती है, right होता है. तो authority है, मुझे authority मिला हुआ है कि मैं तुमको पढ़ाओ, मैं तुम्हें डांट सकूं, मैं तुम्हें मना कर सकूं कि अभी पानी पीने नहीं जाना है. तो दिस इज माय अथॉरिटी. आई हैव टू राइट टू फॉरबिड यू नॉट टू डू दिस वन, नॉट टू गो फॉर द गिव ऑर्डर एंड मेक अदर ओबे. मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ ना कि तुम अभी पढ़ाई करो, अभी बाहर नहीं जाना है. तो दैट इज अथॉरिटी. किसी भी काम को करने की जो आपको मिली रहती है एबिलिटी, दैट इज वर्ड अथॉरिटी. मैं भी मीनिंग नहीं देती हूँ, क्योंकि मीनिंग भी आते हैं, आप लोगों को मीनिंग भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को लर्न करना है. मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ, अभी मैंने मीनिंग बता दिया. तो अंडरस्टूड ऑल व्हाट हैपेंड क्वाइलिंग कलर्स पार्ट इन पार्ट वन. हियर लॉन्ग लॉन्ग अगो द कलर इन रेनबो स्टार्टेड क्वाइल. बहुत समय पहले इंद्रधनुष में जो सात कलर हैं, दे ऑल आर स्टार्टेड टू मेक आर्गुमेंट. वो लोग आपस में बहस करने लगे, झगड़ा करने लगे. इन एनी सिचुएशन दे आर गेट एंड दे आर क्वारेलिंग टू ईच अदर. ईच कलर थॉट इट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर ऑफ ऑल. सभी सोचने लगे, दे ऑल थिंक आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट. सभी सोचने लगे कि मैं ही सबसे बढ़िया हूँ. वायलेट सेड आई एम द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम. एट फर्स्ट द वायलेट सेड आई एम द कलर ऑफ ह्यूमिलिटी एंड विजडम. मैं विनम्रता और बुद्धि का प्रतीक हूँ, मैं विनम्र हूँ, बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं ही बेस्ट हूँ. आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इंडिगो स्पोक सॉफ्टली, देन इंडिगो स्पोक. इंडिगो सेड दैट नो यू आर नॉट बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बिकॉज आई एम द कलर ऑफ साइलेंस. मैं शांत हूँ, मैं चुप रहता हूँ. सो यू नीड मी इन पीस एंड ऑल्सो इन द टाइम ऑफ प्रेयर. आपको जब प्रेयर करोगे, आपको जब शांति चाहिए, तो मैं मुझे ही याद करने वाले हूँ आप. सो आई एम द बेस्ट. देन आफ्टर द ब्लू इंटेड अपडेट, ब्लू बीच में ही उसे टोन दिया, दखल दे दिया कि आई एम द कलर ऑफ वाटर. ब्लू इज ब्लू सेड दैट आई एम द कलर ऑफ वाटर एंड देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर. सो आई एम द बेस्ट, यू ऑल नो. देन आफ्टर ग्रीन सेड दैट आई एम द कलर ऑफ नेचर एंड यू दैट्स व्हाई आई एम द बेस्ट. मैं ही नेचर हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ, तो इसलिए ही मैं बेस्ट हूँ. येलो स्माइल आई ब्रिंग वार्म टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. मैं जो है वार्म देता हूँ, मैं सबको गर्म रखता हूँ, पूरे वर्ल्ड को ना. सो एंड यू कैन सी द मून सन एंड ऑल स्टार्स आर लुकिंग येलो. सो दैट्स व्हाई आई एम द बेस्ट. ऑरेंज नाम आई एम द कलर ऑफ करेज. देन आफ्टर ऑरेंज सेड दैट आई एम द कलर ऑफ करेज. द डेयरिंग आई हैव डेयरिंग, आई डू सम समथिंग विदाउट फियर. मैं डर को भगा देता हूँ, मैं डर के बगैर काम कर देता हूँ. सिक्योरिटी आई एम द बेस्ट. सो डर जाएंगे तो क्या कर पाएंगे. तो दैट्स व्हाई आई एम द बेस्ट, आई एम करेजियस. एंड रेड शाउटेड, तब लास्ट में रेड चिल्लाता है कि आई एम द साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी. जब आप देखते हो रेड लाइट जल जाता है, तो सभी
stop and to make you to do something. मतलब go or not go. है ना, किसी को हम अपना order दे सकते हैं और ये ताकत है उसमें. तो understood the all variety of all colors. I think you understood well. है ना, hope you all understood clearly, not very hard na. So write the two word I written that day, quiet and humility. And you remember, quiet means झगड़ा करना होता है, लेकिन उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, an angry argument. जब झगड़ा में बहस करने लगते हैं, argument करने लगते हैं, बहुत क्रोधित होकर के, in angry argument you can say. Quarrel means in angry argument. But humility, humility मतलब विनम्रता, नम्र स्वभाव का. When you educated, when you become educated, you become humility. आप में विनम्रता आ जाती है. तो the quality of not thinking that you are better than other person. ये एक quality है. विनम्रता क्या है कि आप में ये सोच आ जाती है कि मैं तुमसे बड़ा नहीं, मैं झुक ही रहता हूँ, बिना मैं रहता हूँ, ठीक है ठीक है, आप ही अच्छे हो भाई, मैं ही कमजोर हूँ. लेकिन वो कमजोर होता नहीं है, वो बुद्धिमानी से, बुद्धिमत्ता के बस वो ऐसी बातें करता है. तो राइट डाउन सम वर्ड ऑफ दिस चैप्टर. ये मैं रख कर देती हूँ, फिर आप लोग आगे लिखो. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. नाउ राइट द मीनिंग ऑफ सम वर्ड. क्वारेल, क्यू यू ए डबल आर ई ए, क्वारेल. मैंने लिखवाया था उसको, पर आज में फिर से दो वर्ड है. एन एंग्री आर्गुमेंट, एन ए एन जी आर वाई, एन एंग्री ए आर आर्गुमेंट. ठीक है, ह्यूमिलिटी. Humility. Humility, the quality of not thinking the quality of not thinking that the quality of not thinking that you are better than another. The quality of not thinking that you are better than other. ठीक है, अब मैं इंटरप्टेड आई एम टी डबल आर यू टी इंटरप्टेड का मतलब है टू स्टॉप progress of to stop progress of something.
मतलब तो स्टॉप प्रोग्रेस क्या, जैसे कि कोई काम हो रहा है, अब वो प्रोग्रेस में है, मकान बन रहा है, प्रोग्रेस में है, लेकिन कोई बीच में उसको रोक दिया, इंटरप्ट कर दिया उसको। अब बातें हो रही है, बातचीत चल रही है, बहस चल रहा है, किसी की बात चल रहा है, तर्क वितर्क चल रहा है, सफा चल रही है, और कोई बीच में आके नहीं उसको रोक देता है, इंटरप्टेड कर देता है, कोई दूसरी बातें बोल देता है या कुछ भी, तो दे इंटरप्टेड, वहाँ पे इंटरप्टेड वर्ड आ जाता है। खेल रहे हो, मान लो तुम लोग खेल रहे हो, खेल रहे हो, कोई तीसरा बच्चा आ गया, मैं भी खेलूंगा, नहीं मैं नहीं खेलने दूंगा, तो दे ही इंटरप्टेड यू, वो बीच में दखल दे दिया, दखल अंदाजी करना इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दखल अंदाजी करना। दखल अंदाजी करना, बीच में ही रोक देना, टू स्टॉप इन मिडिल ऐसे भी समझ सकते हो, टू स्टॉप इन मिडिल, टू स्टॉप इन मिडिल, बीच में ही रोक देना, बीच में ही रोक देना। If the person are talking together and you stop them, you enter there and stop or you interrupt them. आप उसको interrupt कर दिए, रोक दिए। ठीक है, hard word क्या है इसमें? Shouted तो आप लोग जानते हो ना, to speak का मतलब होता है चिल्लाना, हाँ चिल्लाना, जोर से चिल्लाना। अब चिल्लाना में जोर से लिखना जरूरी नहीं है, चिल्लाना का मतलब ही हो गया जोर से बोलना, तो बोलना को बोलते हैं ना कि जोर से उसने बोला, जोर से आवाज लगाई, पर चिल्लाना वर्ड ही ऐसा है जिसका मतलब है कि लाउडली, स्पीक लाउडली। तो साउटेड का मतलब है साउटेड टू स्पीक एंड क्राई आउट टू स्पीक एंड क्राई आउट very loud word। शाउटिंग मतलब चिल्लाना, बहुत जोर से चिल्लाया या रोया, उससे समथिंग इन अ लाउड वर्ड, ऐसे भी लिख सकते हो, उससे किसी को कुछ बोल ही रहा है, से समथिंग, ये इजी रहेगा आप लोगों को याद करना, टू से समथिंग इन लाउड वर्ड, समझ गए, खूब जोर से बोलना। फिर है करेज, करेज हमने नहीं लिखा, करेज of
clear. दूसरा is so clearly. फिर क्या है? एक है authority. Authority word हमने बताया ना कि right to stop, right to order someone. Right to give order to someone. Such a authority. C-H-O-R-I-C-Y. Authority. The power of directly to the people. ठीक है, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ.